मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रजेश भंडारी में। और मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर आर्यपुरम, जहाँ पर कि आप कि यहाँ चारों तरफ बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के, और चारों तरफ बहुत सारे उत्तराखंड के हमारे भाई बहन भाई बंद। ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस है, और ये है शरद महोत्सव 2024 आर्यपुरम सांस्कृतिक एवं भात्र मंडल जो है इसके द्वारा आयोजित किया गया है। ये लोग आए हैं हम देखने के लिए, और चारों तरफ भैजी आओ भैजी। मैं मुंबई से आया हूँ, तो ये नमस्कार भाई लोग, जय गढ़वाल जय बद्री विशाल। मैं मुंबई गोवा का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ आके बहुत अच्छा एक्साइटमेंट देखा कि हमारा जैसे महाराष्ट्र में होता है, मुंबई में होता है, गोवा में होता है गोवा फेस्टिवल, वैसे आज मैंने उत्तराखंड फेस्टिवल देखा। बहुत अच्छा इन लोगों ने डिसिप्लिन वाइज और देसी आइटम्स रखे हुए हैं, दाल चावल खिलाया भी जा रहा है, प्रॉपर देसी खाना खिलाया जा रहा है, और देसी डांस के साथ बहुत एंजॉय। और इनका एक सिस्टमेटिकली किसी को भी, अभी मैं सुबह 9 बजे आया था, तीसरा राउंड है मेरा ये। अच्छा, एकदम सिस्टम में कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सजाया है और डिसिप्लिन है, और ओरिजिनल आइटम है। 10% तो कोई भी लेता है, लेकिन मार्केट में ओरिजिनल मिलेगा इसका कोई श्योरिटी नहीं। बट ये अपने देसी लोग आए हैं गढ़वाली वाले, इनको एक सम्मान दीजिए और ओरिजिनल आइटम देके खाने का स्वाद लीजिए। ओरिजिनल आइटम की जय। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर उत्तराखंड की प्रसिद्ध मिठाई, ज्वेलरी, टोपी और काफल स्टोर, जो हमारा उत्तराखंड का एक बहुत फेमस नाम है उत्तराखंड की चीज़ों के लिए, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। ये पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा, जो गाँव इकट्ठी करके उसको ये जो है कि हमें गाय के गोबर, और ये ऑर्गेनिक होता है, इसमें केमिकल नहीं होता है, इससे पूरे मतलब घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो गाय हमारी जो माता है, हम उसकी पूजा करते हैं और उसी का गोबर की हम अपने उत्तराखंड प्रदेश के लोगों को धूप बेचते हैं। धन्यवाद भाई जी। नाम क्या भाई जी आपका? तरुण यानी, ये शिवानी के नाम से, शिवानी यानी के नाम से। अच्छा भाई जी, तुमने तो अच्छा तुम पार्क में मिले थे ना मुझे। ओ भाई जी, मैं तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे भाई जी, तुम पहचान नहीं थी तुम्हें यार, अपनी पहचान तुम। ये हमारे साथ है उत्तराखंड के स्टार यार। मेरे भाई जी का बहुत बढ़िया प्रोग्राम, सॉरी भाई जी मैंने देखा नहीं, पहचाना नहीं। कोई बात नहीं भाई जी, क्या क्या आज खिला रहे हो यहाँ पर लोगों को? आज भाई जी वड़ा पाव से ये म्यार वाइफ से, मैं बड़ी बहन, तो ये बम्बई बटे हैं ना, सीख के बम्बई बटे सीख के। हाँ, बम्बई बटे सीधा सीधा उतर कर, ऑथेंटिक वड़ा पाव। ऑथेंटिक वड़ा पाव। हाँ, लोग नहीं आने हैं अजी, लोग नहीं आने पर नहीं, अभी 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 हटे जब। तो भाई जी आज परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या क्या कर रहे हैं? आज बहुत बढ़िया भाई जी, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, चाहे गढ़वाली उत्तराखंडी में ऐसा चाहे परफॉर्मेंस ना, तो मैं आपका लिंक भेजूँ। भाई जी कुछ हमारे दर्शकों सुना भी दो। अरे मधु होए, हाँ क्या भली मकड़ी तेरी, क्या भलो बोलना तू भली आके तेरी, क्या भलो हसना। अरे मधु होए, हाँ मुंड की घुंघरेली लटुली, सूरी जैसी किरणी, बगले री खुटियो न हिट दी ठंडो की सिरणी। अरे चुन चुन चुमणा के चुन टाणा टा 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 टा, चुन चुन छोड़ियो कछो नाट हाथों मा, चुमणाट हाथों मा, तेरो मेरो साथ छयो बेल जन्म मा। हाँ बाकी भाई जी मैं लिंक, धन्यवाद सेंड लिंक। हाँ भैजी के साथ बड़ा मजा आता है, जब भी भैजी के साथ गाने आओ और ये अच्छा तो लगता आपका बड़ा पन है आप ये बड़ा। और मैं सभी देखने वाले दर्शकों को एक बार फिर से बोलूंगा कि वरुण यानी भाई, और इनको फॉलो करो, आप सर्च करिए वरुण यानी, बिल्कुल, और हमारे उत्तराखंड के कलाकारों को आगे बढ़ाइए, आपकी जिम्मेवारी है। धन्यवाद भाई। यहाँ पे मिल रहा है नॉन वेज आइटम, ये पहाड़ी नहीं है बट बहुत अच्छा नॉन वेज आइटम दिख रहा है मुझे, और ये क्या है, लंगोड़ी, ये है 150।
300 450। और ये बढ़िया है, ये उत्तराखंड का, ये जो है उत्तराखंड का 500 का ये बड़ा डब्बा है, 300 का हुआ है, 150 का पैकिंग के लिए। ये क्या क्या है भाई, ये बताना। ये देखिए ये है क्या है भाई, एक बार इसको बताना क्या चीज़ है ये। पहाड़ी घरात संजय भैजी की दुकान, संजय भैजी का जो बेटा है वरुण, जिसने अपना कैटरिंग का काम स्टार्ट करा और इसमें हमारा सारा उत्तराखंड का खाना, और ये वरुण है और इसमें हमारा सारा ऑथेंटिक जो हमारे उत्तराखंड के बर्तन होते हैं उनके ऊपर है ये बना हुआ सारा, सारे ये चीज़ें, ये दाल है, ये भट्टू की दाल है, भट्टू की दाल है। और ये क्या भैजी दिखाना है, क्या क्या है, क्या क्या भाजी दिखाना है एक बार। आलू मूला तिचुणी जी। अच्छा, और ये क्या, कंडली का साग। कंडली का साग, जमुरा खीर खत्म हो गई है। ओके, वाह वाह वाह, और खा दो। अरे वाह भाजी वाह, दाल का तो टेस्ट बढ़िया। और भात, ये तौला का भात, तौला का भात, और इधर चूने की रोटी। ये देखो भाई, ये ओरिजिनल है, अरे छुओ मत ना, फिर लगेगी, लगेगी ना, पकड़ पकड़ के इसका वो कर दिया, ये देखिए इधर कांटे हैं। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, हाँ हाँ, ये ओरिजिनल है, ये कंडेली ओरिजिनल है। ये ओके, और ये सिलबट्टा भी रखा हुआ है। भाई का वसन, अरे मेरी तारीफ नहीं करना, भाई की तारीफ करना, मेरा तो सही है, सही है। आप लोग मेहनत आप लोग कर रहे हो यार, हम तो आज आपने यहाँ पे पहाड़ी घरात में खाना खाया है, तो आपको कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट भोजन, हमारे उत्तराखंड का बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पहाड़ी घरात में। और जब कितने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं तो आप जरूर पहाड़ी घरात में खाना खाइए, खास के स्पेशल जो कंडली की और अपने भट्टों की दाल। तो आपको आज टेस्टी क्या लगा, आपने क्या क्या खाया? सभी कुछ टेस्टी है, लेकिन जो मेरे को अच्छा लगा वो भट्टों की दाल, अपने मंडुए की रोटी और कंडली की भुजी। तो कंडली को आपने पहले दिल्ली में, इसके अलावा यहाँ, इसके अलावा कहीं और खाया था कभी? मैंने तो कभी खाया हुआ और बचपन में याद नहीं है, लेकिन आज मैंने खाया था, दिल से घर लेके जा रही। हाँ, तो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये संजय भाई की स्पेशल, ये पहाड़ी घरात की स्पेशल चीज है, और मैंने भी कहीं पर नहीं देखी है कि कंडेली का कोई साग बनाता है या कोई देता है। ये एकदम ऑथेंटिक जो उत्तराखंड का हमारा खाना है वो प्रोवाइड करा रहे हैं संजय भाई, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संजय की रोटी बन रही है, वो आपको बिल्कुल ताज़ा सामने बन रही है, बिल्कुल फ्रेश खाना है और बहुत अच्छा खाना है, बहुत ही अच्छा, यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है और बहुत ही टेस्टी खाना है, अपना उत्तराखंड की याद आ रही है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारी कमला नेगी जी हैं, बहुत ही फेमस सिंगर हैं हमारे उत्तराखंड की, और ये हमारे साथ शशि नेगी जी हैं जिन्होंने हमारा आज यहाँ पर खाना बहुत बड़े अच्छे से उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, और हमारे ब्रजेश भंडारी भाई हमेशा निरंतर हमारे जितने भी उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे कोई भी ऐसा उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम होता है, उसको अपने चैनल के माध्यम से जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से पहाड़ी ग्रांत की तरफ से और सभी से निवेदन करता हूं कि आप उनके ब्रजेश भंडारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी एक आत्मा मतलब आत्मा मतलब उनका आत्मनिर्भर विश्वास जो है वो आगे बढ़े, और साथ साथ सारे हमारे उत्तराखंड के लोग भी निरंतर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।
बात करना चाहूँ, दो ज्यादा बजे और तीन बजे इंतजार से मैं सुनाना चाहूँ। Thank you.
Thank you.
बहुत अच्छा डांस करती थी मैंने टाइम पे देखा भी। तो उत्तराखंड के प्रोग्राम से जब आप आते हो तो क्या आपका मकसद होता है, क्या सोचते, क्या सोचा? पहली बात तो यहाँ पर हमें इतने सारे लोग मिल जाते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है ना, उनको भी जाने लग जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में सबसे मेन ये होता है कि सभी जब मिलते हैं ना तो ऐसे लगता नहीं कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हो, क्योंकि गढ़वाली में थोड़ा अलग ही वाइब होती है। यहाँ पर और क्या क्या अच्छा लगता है आपको तो क्या, और अगर जैसे उत्तराखंड के कल्चर में अलग मेले तो सेम ही है मतलब, पर मजा यहाँ पर की अलग अलग, जैसे यहाँ पर अभी क्या बोलते हैं चौहान आ रखा है तो हर मेले में अलग अलग चीजें, जैसे यहाँ पर अभी हम यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर हमारे उत्तराखंडी क्या बोलते हैं डिशेज वगैरह खाने वगैरह है, वैसे माल्टे वगैरह नहीं है यहाँ पर, वो खटाई वगैरह जो बनती है ना उस चीज की यहाँ पर नहीं है, बट किसी किसी मेले में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको देखने को जरूर मिलेगा। नींबू बोलते हैं उसको, मिलेगा एक वो होता है चुकंदरा, उसकी खटाई बनाते हैं और एक माल्टे की भी खटाई बनाते हैं हमारे यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर आप देखो, आपने दिखा दो स्टॉल वगैरह, जो ये हमारे यहाँ पर खासियत है यहाँ की, तो थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर पिछौड़ी वगैरह ये सब ना, तो आप सभी को आना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफी अलग अलग लोग भी आ रखे जो कि अलग स्टेट से, पर वो घुल जाते हैं यहाँ पर, हाँ वो आगे यहाँ पर घुल जाते हैं हमारे साथ ही, तो उनको भी वाइब अलग आ रही होती है हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और एक्चुअली तुम डांस बहुत एनर्जेटिक डांस कर रही थी, तो इसीलिए मुझे लगा यार इस लड़की से बात करना चाहिए। थैंक यू, मैं डांसर ही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा एक फोटो क्लिक कर ले मेरे भी।
पहले सबसे पहले बोलो जय जय उत्तराखंड जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा राम जी करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। तो ये है फिर आज का कार्यक्रम। यहाँ पर अब इस कार्यक्रम को मैं करता हूँ, इस ब्लॉग को करता हूँ आज, क्योंकि अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब ये लास्ट पसंद है और मैं अभी सभी देखने वाले दर्शकों को ये जरूर कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।